जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आप लोगों को बता दो, जो खुशखबरी आ गई है, देवलानी की भर्ती आ गई है। ठीक है, देखो जो नोटिफिकेशन था वो सच में आ गया है। मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं टी आर्मी का आया, ये जो नोटिफिकेशन है ना, जो देवलानी की तरफ से जो वायरल हो रहा है, ठीक है, नोटिफिकेशन है वाकई में और रियल भी है। ठीक है, लेकिन क्या बोलूँ मैं आप लोगों को, जो 13 तारीख से बता रहे, 13 दिसंबर से लेके 18 दिसंबर तक के, वो जो 13 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक की जो भर्ती है, ये किस चीज़ की है मैं आपको बताऊं, क्योंकि नोटिफिकेशन जो वायरल हो रहा है ना, उसमें मेंशन नहीं है कि टी आर्मी की भर्ती है या फिर रिलेशन वाली भर्ती है। और जब मैंने ये नोटिफिकेशन देखा तो इसमें स्पोर्ट्समैन की भर्ती बताई जा रही है 13 दिसंबर से। ठीक है, लेकिन अभी भी देखो ज़्यादा दूर नहीं है 13 दिसंबर। अब मैं एक बार कोशिश करता हूँ किसी से इसकी सही जानकारी लेने का कि वाक्य में नोटिफिकेशन जो हो रहा है ये वाक्य में सही है क्या। मैं खुद कोशिश करूँगा वहाँ जाने की, अगर होता है मेरे से तो मैं जाऊँगा, क्योंकि देखो यार बार बार जाना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि देखो और पैसा लगता है जाने के लिए। तो फिर इतना पैसा तो यार आपको भी मालूम है, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, पैसा तो है नहीं कि भाई उठे कि सीधा चले गए भर्ती स्थल पर, ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसा भी रहेगा आप लोगों को मैं दिखा दूँगा। और कल मैंने आप लोगों को जो बताया था EME देहरादून का, वो बहुत सारे भाई, मिनिमम मैं आप लोगों को मालूम है झूठ इन्फॉर्मेशन देता नहीं हूँ, मिनिमम 50 से 60 लोगों ने कल मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया और वहाँ पे मुझसे पूछा और PDF भी मांगा। मैंने उनको PDF भी दिया और साथ में उनको बहुत सारे भाई लोग हैं जिनको PDF के बारे में प्रॉब्लम हो रही थी, भाई फॉर्म कैसे भरे, उन लोगों को मैंने WhatsApp पे, उनको Instagram पे स्क्रीनशॉट भी भेजा कि भाई आपको ऐसा फॉर्म भरना है। और आज वही बंदे मतलब आज पोस्ट ऑफिस में जाएंगे और फॉर्म डाल देंगे। वैसे अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम होगी जो PDF अगर आपको भी चाहिए तो Instagram पे आप मैसेज कर देना, तो मैं वहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगा जो PDF है। और आप लोगों को जो देवलानी का बताना था, आखिर देवलानी की भर्ती क्या है, क्योंकि इसका मैं आपको बारीकी से बताता हूँ कि भर्ती कहाँ से कब तक चलने वाली है। तो ये जो आप लोगों ने अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये स्क्रीन पे आपने देखा हुआ है कि 13 दिसंबर से 14 दिसंबर तक जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन की भर्ती बताई जा रही है, और 15 दिसंबर को सोल्जर GD और टेक्निकल 10th pass 12th pass। इसमें राज्य देखो आपको बता दूँ, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और गुजरात, UP, पंजाब, हरियाणा और अदर स्टेट। ठीक है, और 16 दिसंबर को सेम वही है, सोल्जर GD और 10th pass plus 12th pass। और इसमें है मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उसके बाद मिज़ोरम, त्रिपुरा, मणिपुरा, नेपाल, झारखंड, गोवा, सिक्किम, बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। और इसके साथ में मैं आपको बता दूं आगे जो दिखाया जा रहा है 17 दिसंबर को, ये है 8th pass plus 10th pass। ठीक है, इसमें ऑल स्पोर्ट्स कैंडिडेट जा सकते हैं। और जो 18 दिसंबर को बताया जा रहा है कि आप लोगों ने इतना जो नोटिफिकेशन देखा है, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भर्ती श्योर है, ठीक है, लेकिन मेरे को जहाँ तक के अंदाज़ा है, मैंने जो आज तक के जांच पड़ताल की है इसकी, तो उसमें बताया जा रहा है कि देवलानी में जो है TRMI की भर्ती नहीं है, स्पोर्ट्समैन की भर्ती है। फिर भी मैं अभी आप लोगों को दोस्तों जितने भी ये नोटिफिकेशन था उसका मैंने जांच पड़ताल की है, तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा है अंदाजा कि भर्ती होगी, लेकिन मैं आप लोगों को शोर के साथ नहीं बता रहा हूँ कि ये भर्ती होगी। ठीक है, क्योंकि अभी देखो कोरोना के हालत फिर से मुंबई और थाने जैसे जो जिला है वहाँ पे शुरू हो गए आने के लिए, आना शुरू हो गए, क्योंकि काफ़ी 2 दिन से कुछ ना कुछ वापस से पेशेंट आना शुरू हो गया है, तो बता नहीं सकते देवलानी की भर्ती का कि ये भर्ती कोरोना के चक्कर में वापस से कैंसिल हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो भी रहेगा जैसा रहेगा मैं आप लोगों को पूरा बता दूंगा भर्ती होगी या नहीं होगी, इस पर मैं अगली वीडियो जैसी मुझे फुल इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आप लोगों को पूरा बता दूंगा। क्योंकि वीडियो इसलिए बनाई थी मैंने क्योंकि बहुत सारे भाई लोगों के मुझे मैसेज आ रहे थे और जो नोटिफिकेशन है वो वायरल हो रहा था कि भाई आखिर में बता दो, इस पर आप वीडियो बनाओ, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग परेशान है, इसलिए मैंने वीडियो बनाई। और 16 दिसंबर को जो TRMI का नोटिफिकेशन वायरल हो रहा था, वो बहुत सारे बच्चे बोल रहे कि हम लोग जाएंगे, ठीक है, अगर आपको जाना हो तो जाओ, आप वहाँ पे जाके आपके माता पिता का पैसा बस ख़राब करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं इतना प्रूफ के साथ आपको दिखा चुका हूँ, फिर भी आप लोग बोल रहे हैं भर्ती में हम लोग जाएंगे, तो ठीक है जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।